सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री फायर के 3 टॉप क्रेजियस्ट कैरेक्टर्स में से बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, जो अपन का कैप्टन भूया के है या फिर क्रोनो CR7 है या फिर अपन का डीजे आलोक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है एंड इस वीडियो में गिव अवे भी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप गिव अवे भी जीत सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन के कैप्टन कूल कैप्टन भूया कैरेक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वो कैरेक्टर जो डीजे आलोक के पास सबसे ज्यादा क्रेज में आया था। तो भाई, हम इसकी एबिलिटीज की बात कर लेते हैं, क्या इसकी एबिलिटी CR7 एंड अपन के डीजे आलोक को टक्कर दे सकती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी एबिलिटीज को। भाई, इसकी एक एबिलिटी नहीं है, इसकी 2-3 एबिलिटीज है, तो मैं आपको सब चीज सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। तो इसकी जो सबसे पहली एबिलिटी है वो ये है कि जैसे ही आप गेम में जाओगे, ये आपका हर एक 2 सेकंड में 2 EP बढ़ाएगा, मतलब कि 2-2 पॉइंट करके बढ़ाएगा जब तक कि आपके 150 EP नहीं हो जाती। एंड जो उसकी जो सेकेंड एबिलिटी है, ये वो है जो आपकी EP को आपके HP में कन्वर्ट करेगा 500% एक्स्ट्रा स्पीड में। तो भाई, बहुत ही अच्छी, बताओ क्या ही बताया, मतलब कि इतनी अच्छी एबिलिटी है कि आपकी हेल्थ पॉइंट को बहुत ही जल्दी इंक्रीज करता है। तो भाई, देखा जाए तो इसका कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है, पर अगर आप डीजे आलोक से इसका कंपैरिजन करें तो भाई, डीजे आलोक आपकी स्पीड बढ़ाता है, ये आपकी स्पीड नहीं बढ़ाता। डीजे आलोक आपकी हेल्थ बढ़ाता है, ये भी हेल्थ बढ़ाता है, पर डीजे आलोक के पास अपन की स्पीड का एक फैक्टर है कि वो आपकी स्पीड भी बढ़ा देता है। तो भाई, इस चीज में ये लैग कर देता है डीजे आलोक को। तो अब भाई, अपन चलते हैं अपन के फेवरेट कैरेक्टर डीजे आलोक पे। तो फ्रेंड्स, अगर डीजे आलोक को देखा जाए तो भाई, ये आज तक का सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर कैरेक्टर है। हर एक बच्चा मतलब कि हर एक सब बंदे को ये डीजे आलोक कैरेक्टर चाहिए। तो भाई, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि सब बंदों को डीजे आलोक चाहिए होता है, एंड अभी तक इसको टक्कर देने वाला कोई भी कैरेक्टर आया है या नहीं है, ये आपको इस वीडियो को देख के पता चल ही जाएगा। तो भाई, आप देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टर है, ये एक ऑरा बनाता है। जैसे आप इसकी एक्टिव स्किल को यूज करते हो, ये एक साइकिल बनाता है, ऑरा बनाता है। उस साइकिल में आपका तो प्लस हो ही रहा है, आपकी मूवमेंट स्पीड 15+ हो जाएगी, एंड अगर आप उस ऑरे में आपका कोई टीममेट भी है तो उसकी भी स्पीड 50+ हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। एंड जो उसकी सेकंड एबिलिटी है वो ये है कि ये 5-5 करके हेल्थ बढ़ाता है आपकी भी, एंड उस ऑरे में आपका कोई टीममेट भी है 10 सेकंड तक हेल्थ बढ़ाता है। अगर आप इसको मैक्स पे यूज कर रहे हो तो भाई, समझ ही सकते हो 50 हेल्थ दे देगा, मतलब एक मेडिकेट के आसपास की आपको हेल्थ दे देगा, एंड आपको एक बड़ी अच्छी स्पीड दे देगा। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर रश करने के लिए, भाई बेस्ट कैरेक्टरों में से एक है। तो भाई, मजा ही आ जाता है भाई इस कैरेक्टर को यूज करके। अब अपन चलते हैं अपन का जो नया कैरेक्टर आया है क्रोनो इवेंट में आया है CR7, जो रोनाल्डो का भाई है, मतलब कि क्या ही बताएं, रोनाल्डो से इंस्पायर हुआ है वो कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। तो भाई, गिव अवे हमने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, ये वाले बैकपैक की स्किन आपको कौन से लाइट पास में मिली थी, तो उसका आंसर है 13th लाइट पास में, जिसका लाइट पास का नाम था रैम्पेज, उसमें ही आपको बैकपैक की स्किन मिली थी। तो चलो भाई, देख लेते हैं कि कौन इस गिव अवे को जीता है। तो अपन रैंडम कमेंट पे कैसे करते हैं, तो हमने कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया है, एंड यहाँ पे अपन कर देते हैं पेस्ट, लिंक को कर देते हैं भाई पेस्ट, एंड आ जाओ यार, देखते हैं कि कितने कमेंट्स इस वीडियो पे हुए हैं। Let's see, 140 कमेंट्स इस वीडियो पे हुए हैं भाई, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 140। एंड अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन होने वाला है इस वीडियो का मैं विनर। तो भाई, अपन ने कर दिया स्टार्ट, एंड देखते हैं कि कौन जीता है हमारे 200 डैमेज। तो मैं यहाँ पे जीत चुके हैं हिमांशु भाई, तो देख लो आपको टॉप अप हम कर चुके हैं। तो भाई, हिमांशु भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द विनर। एंड आप, तो फ्रेंड्स, अब हम इस गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं जो इस वीडियो में। तो भाई, जो फ्री फायर में जो फर्स्ट लाइट पास आया था सकूरा, वो कौन से मंथ में आया था, ये है इस वीडियो का क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, अपना UID जरूर दे देना, जिसपे हम लोग आपको डायमंड दे पाए, 200 डायमंड का गिव अवे है इस वीडियो में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, एंड बिना शेयर किए किसी को भी गिव अवे मिलने वाला नहीं है, तो अपने एक एक दोस्त में ये वीडियो को शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले अपन के जो नया कैरेक्टर क्रोनो इवेंट में जो कैरेक्टर आया है CR7 के बारे में। तो भाई, ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा भी क्रेज में है, क्योंकि रोनाल्डो से इस कैरेक्टर को इंस्पायर किया गया है। एंड अब इसकी एबिलिटीज की बात कर लेते हैं, क्या इसकी एबिलिटी अपन के कैप्टन कूल के को अपन के टक्कर दे सकती है या फिर अपन के डीजे आलोक को टक्कर दे सकती है। तो इसकी एबिलिटीज को देखा जाए तो भाई, इसके पास भी एक नहीं, 2-2 है, 3-3 एबिलिटीज है। तो सबसे पहले मैं बात करने स्टार्ट करता हूँ। जो इसकी सबसे पहली एबिलिटी वो ये है कि एक सर्कुलर फोर्स फील्ड बनाता है अपने प्लेयर के आसपास। उस प्लेयर के आसपास जो वो फोर्स फील्ड है ना, उसको तोड़ने के लिए 600 का डैमेज चाहिए होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डैमेज होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता है। एंड जो उसकी जो सेकंड एबिलिटी है वो ये है कि उस फोर्स फील्ड के अगर बाहर प्लेयर चला जाएगा तो उसकी मूवमेंट स्पीड 30+
परसेंट प्लस हो जाएगी, मतलब 30% प्लस बहुत ही ज्यादा मूवमेंट स्पीड हो जाती है। एंड अगर उस फोर्स फील्ड के आसपास आपका कोई भी टीममेट आ जाता है तो उसकी स्पीड 15 प्लस हो जाएगी। तो भाई बहुत ही अच्छी एबिलिटीज में से ये एक है। मैं आपको इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताता हूँ क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर को एक दो दिन यूज करके देखा एंड मुझे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस लगे इस कैरेक्टर में अगर देखा जाए तो। तो चलो फ्रेंड्स अब इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका जो एक मेजरली डिसएडवांटेजेस है वो एक चीज है कि इस कैरेक्टर को आप लोगों ने रश बनाने के लिए किया है, मतलब मूवमेंट स्पीड दे दी है, मतलब कि ये एक रश कैरेक्टर है। मूवमेंट स्पीड सबसे ज्यादा उसी को यूज आती है जो ज्यादा रश करता है। उसके बाद जो आपने दूसरी एबिलिटी दे दी है वो ऐसी एबिलिटी दे दी है जो रश को रोक देती है, मतलब कि जो उसका ऑरा होता है ना, फोर्स फील्ड होता है, मतलब जो सर्कल फोर्स फील्ड बनता है उसके अगर आप बाहर चले जाते हो तो बंदे आपको मार देंगे। मतलब रश कैरेक्टर को बहुत ही मुश्किल होता है कि वो वहां पे कैसे रोके अपने आप को, एंड अगर आप उसके बाहर चले जाते हो तो आप बहुत ही जल्दी मारे जाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ उसकी सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो भाई जो इसका जो वो फोर्स फील्ड है ना, आप लोगों को लगता होगा कि यार बहुत ज्यादा मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटता है, तो भाई वो अपनी गन का मैक्सिमम डैमेज लेता है, मतलब समझ सकते हो ना, वो एक एक ही चार या पांच गोली में मतलब बहुत ही आसानी से टूट जाता है, मतलब कि एक ग्लू वॉल नहीं टूटेगी एंड ये टूट जाता है, फोर्स फील्ड टूट जाता है। तो भाई मेरे को जितना लगाए ग्लू वॉल इससे ज्यादा पोटेंशियल रखती है, होल्ड करती है एंड बहुत ही अच्छी चीज है, ग्लू वॉल इससे अच्छा पोटेंशियल रखती है। एंड इसका जो थर्ड मेजरली डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई जब आप लोगों ने एक फोर्स फील्ड बनाई है तो फोर्स फील्ड से बाहर एनिमी नहीं मार सकता है अंदर, पर अगर एनिमी आपके पास है एंड आप इस कैरेक्टर को यूज कर रहे हो तो एनिमी आपको बहुत ही आसानी से अंदर घुस के मार सकता है। मतलब कि अगर आप ग्लू वॉल लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इस एबिलिटी को यूज करोगे, क्योंकि ग्लू वॉल उस प्लेयर को ब्लॉक कर देगा पर ये एबिलिटी उस प्लेयर को ब्लॉक नहीं करेगी, वो प्लेयर आपको अंदर घुस के पेल के जा सकते हैं। तो भाई ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसका एक और मेजरली डिसएडवांटेजेस है जो डीजे आलोक के कंपैरिजन में, डीजे आलोक आपकी हेल्थ बढ़ाता है भाई, पर ये कैरेक्टर आपकी हेल्थ बढ़ाने वाला नहीं है। डीजे आलोक आपकी हेल्थ बढ़ाता है, मतलब एक मेडिकेट की बराबर आपकी हेल्थ बढ़ा देता है, पर ये कैरेक्टर आपकी हेल्थ बढ़ाने वाला नहीं है, ये आपको बस मूवमेंट स्पीड दे देगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे हिसाब से इन तीन कैरेक्टरों में से डीजे आलोक अभी भी बेस्ट है। वैसे तो मैं बताऊं कि सब लोगों का अपना अपना कैरेक्टर होता है, कुछ लोगों को वुकोंग अच्छा लगता है एंड वुकोंग सच में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ऐसे कुछ लोगों को क्रोनो अच्छा लगेगा, CR7 अच्छा लगेगा, जो भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। पर मेरे हिसाब से मैंने आपको डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बताए हैं, मेरे पास सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने खेल के देखा है, मैंने अपनी राय दी है। एंड आप लोगों को अगर ये राय अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट तो कर ही लिया होगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे देना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे अपन के 300 लाइक्स का एम है, तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाना एंड चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा के ऑल पर कर देना। तो चलो फ्रेंड्स चलता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।